अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स आप ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं ये मिल्लत का मैसी फर्गुसन 375 है और बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है, लाल रंग है इसका, बहुत ही खूबसूरत। और ये यहाँ पे आए हैं रीपर बनाने के लिए, गंदम की कटाई के लिए ये रीपर मरम्मत करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। इन्होंने डेकोरेट भी अच्छे तरीके से यहाँ किया हुआ है और इसका लोगो भी आपको दिखाते हैं व्यूवर्स। ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैसी 375 यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्लत ट्रैक्टर। व्यूवर्स ये लिखा हुआ है मैसी फर्गुसन मिल्लत ट्रैक्टर्स 375। तकरीबन 85 हॉर्स पावर इसकी इंजन की ताकत होती है और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी सीट भी बड़ी अच्छी बनी हुई है और ये देखें ये लीवर यहाँ पे लगा हुआ है फ्रंट ब्लेड को कंट्रोल करने के लिए और रीपर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ब्लेडों में लीवर और ब्रेक लीवर भी ब्रेक है वहाँ पे, दूसरी साइड पे क्लच है। व्यूवर्स व्यूवर्स बड़े बड़े टायर लगे हुए हैं, जनरल के टायर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखें। और इन्होंने छत भी बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाई हुई है, साइडों पे शीशा लगा हुआ है, अंदर पर्दे लगे हुए हैं। और ये इसका फ्रंट है व्यूवर्स, इसका नंबर भी लगा हुआ है 522। ये दूसरी साइड आपको दिखा रहे हैं और इसका जो स्टीयरिंग है व्यूवर्स वो पावर स्टीयरिंग है और मैनुअल नहीं है, ये बहुत ही रवानी से चलता है और बहुत ज़बरदस्त है व्यूवर्स। अंदर इन्होंने स्पीकर लगाए हुए हैं व्यूवर्स म्यूज़िक के लिए, बड़े बड़े स्पीकर, ये देखें। ये गंदम की कटाई के लिए रीपर बनवा रहे हैं और आए हुए हैं ड्राइवर और इसका हेल्पर चाय पी रहे हैं। इसका रेयर हिस्सा भी आपको दिखाते हैं व्यूवर्स, ये देखें। ये इसका रेयर हिस्सा है और पुलियाँ लगी हुई हैं रीपर के लिए। ये देखें व्यूवर्स बहुत प्यारा ट्रैक्टर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है और डेकोरेशन भी इन्होंने बड़ी अच्छी की हुई है और ज़बरदस्त इसकी डेकोरेशन है व्यूवर्स। व्यूवर्स फ्रंट शीशा भी लगा हुआ है और बहुत ही प्यारे तरीके से इन्होंने डेकोरेशन की हुई है। यहाँ पे फ्रंट पे इन्होंने एरियल लगाए हुए हैं। व्यूवर्स ये रीपर बनाने हैं यहाँ पे, ये देखें ये रीपर मरम्मत कर रहे हैं। Thank you.
व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, व्यूज दें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।